अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़े के चिकन स्टीम पीस, और इसके लिए मैंने मसाले पहले से अलग करके रख लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून भर के टिक्का मसाला पाउडर ले लिया है, एक टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैंने गर्म मसाला ले लिया है, एक टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैंने रेड वाली मिर्च ले लिया है, एक टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी ले ली है, एक टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है, और इसके साथ ही ऑरेंज फूड कलर जाएगा थोड़ा सा। बाकी की चीज़ें भी मैं आपको दिखाती हूँ जो इसके अंदर जाएंगी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पाव के जितना दही, उसके अंदर पहले ये सारे मसाले मैं ऐड कर लूँ। सारे मसाले इसके अंदर चले जाएंगे, और एक टीस्पून यहाँ पे मैं ग्रीन चिली पेस्ट ले लूँगी, और इसके साथ ही एक टेबलस्पून भर के मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लूँगी, और इसके साथ ही एक टेबलस्पून यहाँ पे मैं सोया सॉस ले लूँगी, एक ही टेबलस्पून इसमें सिरका चला जाएगा, और एक ही टेबलस्पून यहाँ पे इसमें लेमन जूस चला जाएगा। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है। बहुत मज़े के ये चिकन पीस बनेंगे, और इस दुआ के साथ हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें और साथ साथ मेरी रेसिपीज को एंजॉय करते रहें। और इसके साथ ही एक चुटकी के करीब ये येलो फूड कलर चला जाएगा, इससे जो कलर है बिल्कुल वैसा आएगा जैसे कि हम बाज़ार से लेके स्टीम पीस खाते हैं। मैरिनेशन हमारी तैयार हो गई, इसको मैं करती हूँ एक साइड पे, और यहाँ पे मैंने ले लिए चिकन पीस, लेग वाले ले लिए हैं, और इसके ऊपर अच्छी तरह कट लगवा लिया था ये देखिए, और ऐसे इसके कट्स के अंदर तक सारा मसाला जाए। हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मल मल के हम लगाएंगे। सारे मैं इस तरह लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, चिकन को मैंने अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया, इसके कट्स के अंदर तक ये मसाला चला गया है। अब इसको मैं कर दूंगी कवर, और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसे मैं रख दूंगी फ्रिज में। आप अगर चाहें तो ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। अभी मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, तो फिर आपको 3 से 4 घंटे के बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, चिकन पीस को मैरिनेट करके रखे हुए मुझे तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अब पहले हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया, इसके अंदर मैं ये डालती हूँ चिकन पीस, और हमने इसको दरमियानी आग पे अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, और अच्छी तरह इसको गोल्डन होने तक हमने फ्राई कर लेना है। और इसकी एक साइड को तकरीबन 5-6 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी, फिर इसकी साइड चेंज कर लूँगी, और इसकी फ्राइंग का टाइम जो है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट है। और यहाँ पे देखें जी, इसकी एक साइड अच्छी तरह फ्राई होगी, इसकी मैं साइड चेंज करती हूँ, और तकरीबन 5-6 मिनट के लिए ये वाली जो साइड है इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे देखें जी, इतना हमने इसको गोल्डन कर लेना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए। इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ, बाकी के भी सारे चिकन पीस मैं ऐसे ही फ्राई करती हूँ, तो फिर मैं आगे आपको। और यहाँ पे देखें जी, मैंने एक पुरानी कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर 2 ग्लास के जितना पानी डाल दिया है, अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। अब मैं बटर पेपर रख के उसके अंदर चिकन पीस रख के तो उसको स्टीम देती हूँ। यहाँ पे देखें जी, बटर पेपर मैंने बिछा के अंदर मैंने चिकन पीस रख के ऊपर से इसको अच्छी तरह कवर कर दूँगी, और आग यहाँ पर मैं दम वाली करने लगी हूँ। और यहाँ पे देखें जी, बटर पेपर के साथ अच्छी तरह मैंने चिकन पीस को कवर कर दिया है, ऊपर से मैं रख दूँगी ढक्कन, और बिल्कुल दम वाली आग पे इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह हमारा जो चिकन है वो गल जाए, तो फिर मैं आपको 40 से 45 मिनट के बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, चिकन पीस को स्टीम में रखे हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए हैं। अब इसका मैं कवर हटाती हूँ, और चिकन पीस हमारे यहाँ पर तैयार हो गए, अच्छी तरह ये देखिए सॉफ्ट गल गए अच्छी तरह। इसको मैं बाहर निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार से हमारे चिकन पीस बनके तैयार हो गए। आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें, बहुत इजी है ये बनाना, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।